अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए इकराम तशरीफ ला चुके हैं, तो अब आपके सामने बिला ताखीर मैं दावते खिताब दूंगा फासले नौजवान मुकर्रिज़ इशान हजरत मौलाना मोहम्मद बका शिराज़ी साहब फैसलाबाद। वो अपने मखसूस अंदाज में इंतजार फरमाते हैं और इंशाअल्लाह इनके फौरन बाद मनाज़िर इस्लाम तर्जमाने मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना उमर सदीक साहब इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। तमाम अहबाब जो बाहर इंतजार में हैं, गुजारिश है जल्दी जल्दी अंदर तशरीफ ले आएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलातु व सलामु अला मल्ला नबिया बादा। अल्लाहुम्मा अना القابض وانا الباسط لا اله الا انت وانت على كل شيء قدير وقد قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। أحباب گرامی قدر माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आज अल्लाह की खास तौफीक दे नाल आप दे इस मरकजी सालाना अजीम शान कुरान व सुन्नत कानफ्रेंस के इनेकाद ते पहली मरतबा आप दे इस रोशन चेहरिया की जियारत नसीब हुई है। नहायत ही काबिले कदर इज्जत मुआब हाजी मोहम्मद जफर साहब, कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, हाफिज मोहम्मद मुदस्सर साहब, मौलाना बदर नसीर सल्फी साहब और दीगर जमाती अहबाब रुफाका उन्होंने कहन ते हाजरी का मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया। कबूलियत की घड़ी है, मैं का आगाज के अंदर दुआ करना चूंकि मुसाफर की दुआ नूं अल्लाह रद्द भी नहीं करते। सारे इस पंडाल के अंदर मस्जिद के अंदर मेरे वर्गे गुनाहगार नहीं बैठे, बल्कि माशाल्लाह मेरे सामने तुसा बड़े बड़े तहज्जुद गुजार भी बैठे हो। पता नहीं अल्लाह ताला ने किहदी आमीन नूं कबूल फरमा लेना है। मैं दुआ करना सब जूम के आमीन गया जी, बल्कि उसको पहले मैं गुजारिश करना कि थोड़े थोड़े साथी क्लोज हो जाओ ताकि समा बन जाए। आज करीब करीब आ जाओ छोटे अगे आ सारे आ यार माल ला लिया तुम ही अगे आ जा आ जाओ शाबाश अगे आ जाओ। इंशाल्लाह मुत्तसिल बाद
मनाजर इस्लाम हजरत अल्लाम खतीब पाकिस्तान मौलाना उमर सदीक साहब का बयान होने वाला है। मैं दुआ करन लगा सब जूम के आमीन किया जी ते तवज्जो भी मेरे वल रहे कि हाय मेरे अल्लाह किसे दा दाता लाहौर है, किसे दा दाता बगदाद है, किसे दा दाता हजवेर है, किसे दा दाता अजमेर है, किसे दा दाता कसूर है, किसे दा दाता पसरूर है, किसे दा दाता संभड़ियाल है, किसे दा दाता कड़ियाल है। ए अल्लाह तेरी इस रूह जमीन ते साडा ही ते ए अकीदा कि साडा दाता भी तू, साडा गौस भी तू, साडा लजपाल भी तू, साडा करनी वाला भी तू, साडियां खोटियां किस्मतां नूं हरियां ते खरियां करने वाला भी तू। ए अल्लाह जे तैनूं साडे अकीदे दी गैरत पसंद है तो आज दे इस प्रोग्राम दी बरकत दे नाल सानू बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। ए अल्लाह सानू बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। अहबाबे ग्रामीए गदर आले हदीस बिला शुबा आले हक ने अल्लाह ताला ने साडे ते एहसान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने सानू अहले हदीस बनाया है, आले हक बनाया। सब नालो वड्डी दलील साडी आले हक होण दी इह वे, इधर मेरे वल वेखिया जे, कि असी अल्लाह दी रहमत दे नाल इस कुराने पाक दी गैरत भी रखने आ। इस कुराने पाक दे लफज अलिफ लाम दे लफजे अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक इस कुराने पाक दे अंदर असी तहरीफ भी नहीं करते। इस कुराने पाक दे असी मुआनी भी नहीं बदलते। इस मुआने पाक दे असी तर्जमा भी नहीं बदलते। अल्लाह दे बंदो तुसी शुक्र करो अल्लाह दी जात दा कि अल्लाह दी पाक जात ने तुहानू इस कुराने अजीम दे मुतालिक गैरत नसीब फरमाई है। फिर अल्लाह पाक ने तुहानू हदीसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतालिक भी गैरत नसीब फरमाई है। अहबाबे ग्रामीए कदर मैं आले हक इस वास्ते हाँ, मैं हक वाला इस वास्ते हाँ कि मैं कुराने पाक दे ईमान रखना और कुराने पाक दी आयात दा मैं उही तर्जमा करना कि जिहड़ा तर्जमा सलफ सालेहीन ने कीता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है, असहाबे रसूल ने कीता है। अल्लाह दे बंदो सजदे पै पै के अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो, पूरी तवज्जो मेरे वल, सजदे पै पै के अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुहानू गैरत वाला मसलक अता फरमाया। वरना अपने झंग दा चक्कर लगाइए, अपने शोर कोट दा चक्कर लगाओ, मैनू पैदा करने वाले किबरिया दी किबरियाई दी कसम जे के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले हजरात अपने रुपए दी दलदल दे अंदर आके, अपनी चदराहट दी दलदल दे अंदर आके इस कुराने पाक दी लोग गैरत नूं भुल गए ने। कुराने पाक दे बारे लोग बेहया बन गए, कुराने पाक दे बारे लोग दयूस बन गए, कुराने पाक दे बारे लोग बाहया नहीं जे रहे। और लोगो जे तुसी हया करदे हो ना कुरान दा, ते अल्लाह दा तुहाडे उपर खास एक फजल है, मेरे अल्लाह दा तुहाडे उपर खास एक एहसान है। हजरात अहबाबे ग्रामीए कदर जिस तरह मेरा मसलक सच्चा है, जिस तरह मेरा मसलक सुच्चा है, जिस तरह मेरा अकीदा सच्चा है, इवें अल्लाह पाक ने जिहड़ा मैनूं मजहब इस्लाम दित्ता है, इस मजहब दे अंदर भी कोई कजर भी नहीं, इस मजहब इस्लाम दे अंदर भी कोई टेढ़पन नहीं, इस मजहब इस्लाम दे अंदर भी किसी किस्म की कोई ऊंच नीच या उन्नी इक्की नहीं। हजरात शुक्र करो अल्लाह की जात का, अल्लाह ने तुहानूं मजहब इस्लाम दित्ता है। वरना अल्लाह की कसमे यूरोप की जाके तुसी सीरत पढ़ लो, यूरोप की जाके तुसी तारीख पढ़ो, यूरोप के गोरिया नूं लैके आओ, इंडोनेशिया के कालिया नूं लैके आओ, कोई कालिया नूं लैके आओ, पीलिया नूं लैके आओ, हजरात अपने पोपा के पीछे लग के लोग इस कुरान की गैरत नूं भुल गए जे। कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई कम्युनिस्ट बन गया, कोई किसी किस्म का, हजरात उन्होंने अंदर गैरत नहीं जे रही। जो 18
साल की उम्र होंगी है। इन्हों गोरिया जेड़े गोरे ने जेड़े कुरान के बारे तहरीफ करने वाले मुसलमाना के बारे तरह तरह दियां बातां करने वाले हजरात इन्हों अपने बाप का पता नहीं, इन्हों अपनी मां का पता नहीं। अगर बच्चा जवान हो गया तो यह नहीं पता कि नुतफे दे नाल पैदा होया। ओ मुसलमानों मैं तुहानू सलाम पेश करना, मैनू अल्लाह की इज्जत की कसम है तुसी कुरान की गैरत रखिए, तुसी इस्लाम की गैरत रखिए, तुहाडे कोल अकीदा तौहीद है, तुहाडे कोल सुन्नत की भी गैरत है और हदीसे मुस्तफा की भी गैरत है। आइए मैं अल्लाह पाक का पहले कुराने पाक पढ़ना चाहना, फिर चंद दलाइल हकायक पे गौर फरमाना। हजरात मैं जो पैगंबर दे सहाबा की सीरत पढ़ना मेरे वाल वेख्या जे अल्लाह की कसमे मैं यकीन नहीं जी आता कि इन्ने कुराने पाक के बारे सहाबा गैरत वाले, इन्ने कुराने अजीम के मुतलक सहाबा हया वाले, पैगंबर दी अहादीस दे मुतलक इन्ने हया वाले। मैं सुनने अरबा दे अंदर बड़ा एक अजीबो गरीब वाकया पढ़िया। आइए अल्लाह दा कुरान समाद फरमाना, फिर चंद दलाइल हकायक ते गौर फरमाना। कुरान की कह रहे हैं, पूरी मस्जिद दे अंदर बहार पैदा करो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, सुनो लोग इस मस्जिद दे अंदर साडा पैगाम की है, इस मस्जिद दे अंदर साडी दावत की है। अल्लाह दा वास्ता दे के कहना साडे पैगाम ते गौर करिए। साडा पैगाम जेड़ा है अल्लाह दे कुरान वाला है, पैगंबर दे फरमान वाला है। आइए लोगो जे गल लईए अल्लाह पाक दे कुरान दी, ते मैं अल्लाह पाक दे कुराने पाक दे अंदरों एक आयत करीमा पढ़ के तुहाडे कालजे ठारना चाहना। ते कुरान की फरमाया कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुर्बानी करना, मेरा जिंदा रहना ते मेरा मरना मेरे अल्लाह पाक वास्ते वे। आओ मुसलमानों मैं जड़ा तुहानू पैगाम देना चाहना, अल्लाह दी कसम तुसी आले हक जे, तुसी हक वाले जे, तुहाडे कोल कुराने पाक दी गैरत मौजूद है, हदीस दी गैरत मौजूद है। आइए लोगो तुसी ओ लोग जे जेडे कहंदे जे साडा मरना भी अल्लाह वास्ते, साडा जीना भी अल्लाह वास्ते, साडी नमाज पढ़ना ते कुर्बानी करना भी अल्लाह वास्ते। जे गल लईए नमाज दी ते मैं सुनने अरबा दे अंदर इक वाकया पढ़ के सुनावा, मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी रसूल आ गए। बड़ा शानदार वाकया मैं सुनन नसाई अंदर पढ़िया। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी रसूल आए, सारे जरा मेरे वल वेखिया जे अल्लाह दे नबी मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने आ गए। अल्लाह दे नबी पाक नो कह रहे ने, अल्लाह दे नबी जी सत उजर पेश कर रहे ने। हजरात इस सहाबी रसूल ने सत उजर पेश किए। पहला उजर, अल्लाह दे नबी जी मैं बूढ़ा आदमी हाँ। दूसरा उजर की पेश किया, अल्लाह दे नबी पाक जी मेरिया हड्डियां दे अंदरों मिख भी खत्म हो गई है। आओ मेरे बजुर्गो जिहड़ी मैं तुहाडे वास्ते हदीस बयान कर रहा। ते तीसरा उजर की पेश किया कि अल्लाह दे नबी पाक जी मेरा घर जिहड़ा है मस्जिद नबी तो बहुत ज्यादा दूर है। चौथा उजर पेश किया कि अल्लाह दे नबी जी मेरे घर का ते मस्जिद नबी का जिहड़ा फासला है, अल्लाह दे नबी जी बड़ी खंडरात वाली जगह, उच्ची नीवी जगह, मैं सही तरह चल भी नहीं सकता। ते पंजवां उजर पेश कर रहे ने, अल्लाह दे नबी पाक जी मेरे घर तो दे मस्जिद नबी दा जड़ा फासला है, इहदे अंदर मूजी चीजा भी बड़िया ने, सप भी बड़े ने, ठुमे भी बड़े ने। ते छेवां उजर ए बयान कीता कि अल्लाह दे नबी पाक जी वान आमा मैं अखां तो भी नबीना। ते सतवां उजर जरा दिल ते हथ रख के समाद फरमाना, अल्लाह दे नबी जी वली सली कायदी अकूदनी फिल मस्जिद, अल्लाह दे नबी जी मेरे कोल भांजा भी कोई नहीं, मेरे कोल भतीजा भी कोई नहीं, अल्लाह दे नबी पाक जी मेरे कोल बेटा भी कोई नहीं कि जड़ा बाजू तो पकड़ के लेके आवे ते मैनू मस्जिद दे अंदर आके बैठा दवे, अल्लाह दे नबी जी कोई रस्ता दिखाने वाला भी नहीं। आओ हवेली बहादुर शाह दे रहने वालो, गर्दो नवा तो आने वालो, अल्लाह दी कसम जी अल्लाह ने अखां दित्तियां ने ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर, अल्लाह ने बेटा दिता ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करिया कर। अल्लाह पाक ने जे रेल पेल बच्चियां दी कीती है
ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर, नफल पढ़ पढ़ के शुक्रिया अदा करया कर। कह लगा अल्लाह दे नबी जी, मैं तुहाडे कोल एक फतवा लैन आया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, मेरे सियाबी केड़ा फतवा लैन आया? सियाबी रसूल कहंदे ने, अल्लाह दे नबी जी मैनू दस दियो, मैं सत उजर तुहानू पेश करके जा रहा। अल्लाह दे नबी जी फतवा दे दियो, क्या मैं अपने घर दे अंदर नमाज पढ़ लिया करा के ना पढ़िया करा? अल्लाह दे नबी ने गल सुनी है, मेरे वल वेखिया। जे नबी अली सलाम ने गल सुनी है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, मेरे सियाबी तेरे ते वाजब है, जा तू अपने घर दे अंदर ही नमाज पढ़ लिया कर। हजरात मैं हदीसे पाक दे अंदर पढ़िया, सियाबी रसूल निकले मस्जिद नबी दे गेट ते चले गए। जिस वेले मस्जिद नबी दे गेट ते गए, इधरों अल्लाह पाक ने आसमाना तो जिब्रील अमीन नो भेज दिता। अल्लाह दे पैगंबर दे कलबे अतहर ते कुरान आ गया, अल्लाह दे नबी पाक दे उपर वही आ गई है। अल्लाह दे नबी अले इस्लाम ने इन्हां दे पिछे एक सियाबी रसूल नो भेजिया। कह अल्लाह दे नबी अले इस्लाम ने बुलाया ते पैगंबर फरमारे ने, मेरे सियाबी असमेता सौतल अजान फिल बैत लजी अंता फी। ए मेनू गल दा जवाब ते दे, जिस अपने घर दे अंदर तू रहाइश पजीर है, उस घर दे अंदर तू अजान दी आवाज सुनना के नहीं सुनना? ए वेख लिया वीर, जिहड़ी मैं तुहाडी तरबीयत करना चाहना, इहदी इको थोड़ी जी कम कर दे। जे हजरात मेरे वल वेख्या, जे जिहड़ी मैं तुहाडी तरबीयत करना चाहना, अल्लाह दे बंदो नबी अली सलाम ने फरमाया, जिस घर दे अंदर तू रहना, उस घर दे अंदर दस तो अजान की आवाज सुनना है के नहीं सुनना? वेख लिया भी रहा, पैगंबर दे सहाबा दी जिंदगियां दे अंदर अल्लाह की कसम झूठ का नामो निशान भी कोई नहीं, इन्हां दी जिंदगी दे अंदर झूठ का तसव्वुर भी कोई नहीं। हजरात तेरा मेरा पैगंबर का आशक बनन का की फायदा है? अल्लाह की कसमें उस बंदे ने कुराने पाक की गैरत नहीं जे जानिया, उसने पैगंबर का हया नहीं जे किया, जिहड़ा अज कुरान पढ़ के भी झूठ बोलता है, जिहड़ा अज पैगंबर की हदीस सुन सुना के भी झूठ बोलता है। हजरात मैं अल्लाह इस कुराने पाक दे अंदर पढ़िया, झूठे बंदे दा रब दे कुरान दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, दस अजान दी आवाज सुनना ना अम या रसूल अल्लाह, जी हां मैं अजान दी आवाज सुनना। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की अगे जुमला इरशाद फरमाया, पूरी मस्जिद दे अंदर बहार पैदा करो, मैं हदीस मुकम्मल करा। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान दी आवाज सुनना। जी अल्लाह दे नबी जी, मैं घर दे अंदर अजान दी आवाज सुनना। आओ लोगो, मैं जड़ा पैगाम देना चाहना, सुनो दावत अहले हदीस, पैगामे अहले हदीस, पुकारे अहले हदीस। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सियाबी जे इंज अपने कन्ना दे नाल अजान दी आवाज सुनना है, फिर तेरे ते वाजिब हो गया कि मस्जिद दे अंदर आके नमाज पढ़िया कर, ते नमाज भी बाजमात पढ़िया कर। हजरात मैं हदीसे पाक दे अंदर पढ़िया, जोर दी नमाज दा टाइम होया, अल्लाह दे नबी पाक दे सियाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तआला अन्हो, नबी ने सियाबी ने अजान तो पहले ही मस्जिद दे अंदर आ गए। असर दी नमाज दा टाइम होया, अजान दे वक्त मस्जिद दे अंदर आ गए। मगरब दी नमाज दा टाइम होया, जमात दे वक्त मस्जिद दे अंदर आ गए। वेख लिया भी रहा, किन्ना फिक्र है नमाज दा, अखां तो नबीना। अल्लाह दी कसम, कदे तकबीरे उल्ला भी नहीं रही, कदे सफे उल्ला तो पिछे भी नहीं जे रहे। इन्होंने नमाज पढ़ी है मगरब दी, ते अल्लाह दे पैगंबर ने अज बुला लिया। फअदना लहु, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने करीब कर लिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम, तेरा नमाज दे नाल मैं शौक वेख्या, तेरा नमाज दे नाल मैं जौक वेख्या। अल्लाह दे नबी पाक ने जिस वेले नमाज दे नाल जौक वेख्या, मैं पैगंबर दी अजमत तो कुर्बान जावां, पैगंबर दे सहाबा दे शान तो कुर्बान जावां। अल्लाह दे नबी पाक ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम नो सैयदना बिलाल दे नाल मस्जिद नबवी दा मुअज्जिन मुकर्रर फरमा दिता। अल्लाह दे नबी पाक फरमांदे ने, मेरे सहाबी हुण तू मस्जिद दे अंदर आके अजान पढ़िया कर। ऐ वेख लै वीरिया, किन्ना फिक्र ही नमाज दा, किन्ना शौक दे नाल नमाज पढ़दे ने। अल्लाह दी मैनूं इज्जत दी कसम, जे मेरा सीना जलदा जदों मैं अहले हदीसां दे घरां दे अंदर बेनमाज बच्चे वेहना, अहले हदीसां दे घरां दे अंदर बेनमाज बच्चियां वेहना। कोई देवबंदी है तद भी मेरी बात सुनो, कोई बरेलवी मेरा भरा आया तद भी मेरी दावत ते गौर करो, कोई मेरा आले हदीस भाई है तद भी साडी दावत नूं नोट करो,
हजरात उस बंदे ने पैगंबर दा शान नीचे जानिया जड़ा अज भी फजर दी नमाज अपने बिस्तर ते बर्बाद कर द उन्हें पैगंबर दा मुकाम नहीं जानिया जड़ा अज भी फजर दी नमाज बिस्तर ते रोल देंद उस बंदे ने इस अल्लाह कदे कुराने पाक दे तियां पारियां दा शान नीचे जानिया हजरात कुरान पढ़ के भी वह कुरान दे अमल तो कोरा है जड़ा बंदा फजर दी नमाज जमात दे नाल नहीं पढ़दा अल्लाह दी मैनू इज्जत दी कसम जे साडे घर जड़े ने खंडरात बन गए साडे घर जड़े ने असेब दा ढेरा बन गए साडे घरां दे अंदर शैताना दे ढेरे लग गए साडे घरां दे अंदर असेब दे ढेरे लग गए साडे घरां दे अंदर नहूसत आ गई है नहूसत दी सब तो बड़ी वजह ए जे जवान बेटी है फजर दी नमाज दी चोर है जवान एदा बच्चा है फजर दी नमाज दा चोर है एदी बेगम है एदी बहू है बेटी है ए फजर दी नमाज नीचे पढ़ दे ओ लोगों उस बंदा बहुत बड़ा पीछे है अल्लाह दी जन्नत दा हकदार नहीं बन सकदा जड़ा आज दे गए गुजरे दौर दे अंदर भी फजर दी नमाज जमात दे नाल नीचे पढ़ दा ओ यार शुक्रिया अदा कर अपने रब दा जे अल्लाह ने फजर दा तेनू पक्का नमाजी बनाया वरना वेख लिया वीरिया किने किने लोगां दे कोल पैसे ने किनिया किनिया लोगां दे कोल गड्डियां ने यार देखी इधर मेरे वल वेखिया जे अल्लाह दी मैनू इज्जत दी कसम जे अगर फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़ दे हो ना अपने टुटे मकान दी टुटी छत दे नीचे भी हो ओ तुहाडा मुकाबला बादशाहां दीयां झोंपड़ियां बादशाहां दे विदे महल भी नहीं कर सकदे जिहड़े फजर वेले खराटियां दी नींद सुते ने शुक्र करो रब ने फजर वेले तुहानू मस्जिद दे अंदर आण दी तौफीक दे दित्ती है और मैं अल्लाह वालियां दी जिन्नी सीरत पढ़ी है मैं मुअर्रखीन नू पढ़िया सहाबा नू पढ़िया आ मेरे हाथ दे अंदर कुरान है पैदा करने वाले किबरिया दी किबरियाई दी कसम है पैगंबर दा कोई सहाबी बेनमाज ने हजरात कोई ताबी बेनमाज ने कोई तबा ताबी बेनमाज ने कोई इमामा दे अंदरों इमाम बेनमाज ने रब दे कोलों जिन्ने भी लिया ते जो भी लिया फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़ के रब दे कोलों लिया बेनमाज बंदियां नूं रब कुछ नहीं देंदा ऐ चंद दिन पहले दी गल है मौलाना बदर नसीर सलफी साहब सानू एक दोस्त ने गल सुनाई ऐ मैं तुहानू ए दुख दे तौर ते गल सुनाण लगा चूंकि समा बने है ए मैं तो मेरा दिल करदा मैं गल सुनावा ओह ना कहण लगा एक छोटा भरा सी कहिंदा कारी साहब मैं ना अपने वड्डे भरा नूं कहा यार फजर वेले ना तू मस्जिद दे अंदर आया कर तवज्जो ना गल सुनिया जे यार तू ना फजर वेले मस्जिद दे अंदर आया कर ते आ के ना तू नमाज जमात ना पढ़िया कर कहिंदा मैं एक दिन उठाया दो दिन उठाया तीसरे दिन उठाया मेरा भरा ना उठिया मैं उन्हें रात को कहा भाई जान मैं तेनों सुबह उठाना ही वो अगले दिन फिर ना फजर वेले उठा अगला दिन आया जो सौन लगा ना तो पता की कहता कहता हूं जे तू मैं सवेरे फजर वेले उठाया ना तो तेरा मैं बूथा भन देना कहता मैं चंडा मार मार के तेरा बूथा भन देना ओ मेरे भाई मैं तुहानू शेख इबने बाज रहमहुल्ला दा फतवा सुनाना मैं दूसरी तीसरी गल नहीं करदा शेख इबने बाज रहमहुल्ला ने फतावा दे अंदर लिखिया जड़ा बंदा रात नू प्लान बना के सौंदा कि मैं फजर दी नमाज नहीं पढ़नी अपनी बीवी नू कह के सौंदा कि मैनू फजर वेले ना उठाई कुंडी लगा के सौंदा मैं 10 बजे उठना है 9 बजे उठना है वेख लै सूरत हाल जड़ी तेरे झंग दे अंदर जा रही है साडे पिंडां दे अंदर जा रही है 9 बजे उठदा 10 बजे उठदा प्लान बना के उठदा शेख साहब ने लिखिया अगर रातों रात प्लान बना के सुता है कि मैं सवेरे 8 बजे उठना फजर दी नमाज नहीं पढ़नी रातों रात मर गया तो कुफर दी मौत मरेगा ओ मेरे भाई वेख ले अल्लाह दी कसमे मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना यार फजर दे नमाजी नीचे लभ दे ओ फजर दा नमाजी बनना कोई सौखी गल है शुक्र करो जे रब फजर वेले तुहानू मस्जिद दे अंदर लैके आ जांदा है मैं अल्लाह वालियां दी नेका पाकां दी सीरत पढ़ी है नबी पाक दे सहाबा ने अल्लाह दे नबी अली सलातो वसलाम दे सहाबा वेख लिया मदीने दीयां गलियां दुआ करना यार सारे मेरे वर्गे गुनाहगार नहीं है बड़े बड़े नेक पाक भी है अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू बैतुल्लाह दे हज ते उमरे नसीब फरमा बैतुल्ला तुसी जाके सऊदी अरेबिया दा तुसी इलाका वेखो तुसी मक्का वेखो मदीना वेखो वेख लो कैसिया कैसिया मूसी चीजा ने कैसा कैसा खंडरात वाले और रस्ते सन लेकिन पैगंबर दे सहाबा फजर वेले उठदे ने ते अल्लाह दी कसम आके फजर दे पहली सफ दे नमाजी बन रहे ने आइए लोगों मैं जड़ा पैगाम देना चाहना कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुनो लोगो दावते अले हदीस पैगामे अले हदीस पुकारे अले हदीस मुनादिए अले हदीस अपने बच्चियां नू फजर दे नमाजी बनाओ जोर दे नमाजी बनाओ असर दे नमाजी बनाओ मगरब इशा दे नमाज दी पाबंदी करन दी तलकीन करो अल्लाह दी कसम उस घर दे अंदर जिन्नात दा डेरा जिस घर दे अंदर फजर इशा दी
नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आइए मैं तुम्हें मुस्लिम पाक के अंदर पैगंबर का एक फतवा पढ़ के सुनावा। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहू अल खबीस, जड़ा बंदा फजर की नमाज जमात के नाल मस्जिद के अंदर नहीं आके पढ़ता ऐसा बंदा शैतान है, ऐसा बंदा नापाक है, ऐसे बंदे का दीने इस्लाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं हदीसे पाक के अंदर पढ़िया नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मां बाल शैतान हो भी उसनहीं, जड़ा बंदा सूरज निकलन तो पहले पहले फजर की नमाज मस्जिद के अंदर नीचे पढ़ लेंदा, मस्जिद के अंदर आके नमाज नीचे पढ़ लेंदा, वो बंदा इवें है कि शैतान ने उदे कन्ना दे अंदर पेशाब कर दिता है, शैतान ने उदे घरां दे अंदर आके डेरा लगा लिया। आओ लोगो फिर मैं जड़ा पैगाम देना चाहना, ते साडी दावत की है, दावत अहले हदीस की है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मैं एक और तुहानू शानदार फरमान पढ़ के सुनावा। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत दे नाल प्यार करदा है। आओ लोगो मैं थोड़ा जिहा मसलक दे बारे अपना पैगाम भी नोट करवाना चाहना। इस मस्जिद दे अंदर साडा पैगाम की है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत दे नाल प्यार करदा है, चूंकि नमाज पढ़ना भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है, अल्लाह दे पैगंबर की महबूब सुन्नत है। पैगंबर ने अपनी जिंदगी अंदर एक नमाज भी नीचे छड़ी, एक रकत भी मेरे पैगंबर ने कजा नीचे की थी। आइए लोगों मैं जड़ा पैगाम देना चाहना, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा मेरी सुन्नत दे नाल प्यार करदा कहा तैनी, जिवें दो उंगलियां नाल ने मेरी सुन्नत दे नाल प्यार करने वाला बंदा जन्नत दे अंदर मेरे नाल होएगा। आओ लोगो जे अल्लाह दे पैगंबर दा साथ लेना चाहते जे अल्लाह दे पैगंबर दी सुन्नत दे नाल प्यार करो, पैगंबर दी नमाज वाली महबूब सुन्नत दे नाल प्यार करो। अल्लाह दी कसम शुक्र करो जे तुसी सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़दे हो। मेरे भाई रब दा शुक्रिया अदा करिया कर जे तू सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़ना, वरना मेरे सीने दे अंदर एक लंबी फहरिस्त उन्हां लोगों की भी मौजूद है। कोई शाफी नमाज पढ़ता है, कोई हंबली नमाज पढ़ता है, कोई हनफी नमाज पढ़ता है, कोई जाफरी नमाज पढ़ता है, कोई नमाज पढ़ता है। वो अल्लाह दे बंदिया मेरे नौजवाना मेरे बुजुर्गा मेरी माए भैने जे सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़नी है तू अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करिया कर। रब ने रफुल यदैन वाली सुन्नत तेनू अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने अज सीने ते हाथ बन्नन वाली तेनू सुन्नत अता फरमाई है, अल्लाह ने उच्ची आमीन वाली सुन्नत तेनू अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने पैरां दे नाल इंज पैर मिलान वाली सुन्नत अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने तेनू सूरतुल फातिहा वाली सुन्नत अता फरमाई है। वरना अल्लाह की कसमे 50-50 साल हो गए ने लोगों नू नमाज पढ़दे नू, 70-70 साल इन्हां दी जिंदगी गुजर चुकी है, इन्हां नू सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़ना नसीब नहीं है। ये दुनिया तो चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ाते चले गए, लेकिन लोगों याद रखिया जे जड़ा बंदा पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की कसमे कई लोगों के नाल मेरा टाकरा होया। इत्थे नाम लेना जरूरी नहीं, नाम लेके बयान करना मेरी आदत ने। पता की कहिंदे ने कारी साहब साडी मजबूरी है, असीं लोगों नू पिछे ला लिया, मेरे महल्ले का मौलवी नहीं मनता, मेरे महल्ले का इमाम नहीं मनता, मेरा फलां पीर नहीं मनता, मेरा फलां पीर नहीं मनता। और शुक्र कर अल्लाह की जात का तू पीर कमली वाले नू बनाया, पैगंबर की सुन्नत दे नाल प्यार करना। असी ते उन्हों नबी बनाया जिस नबी ने क्यामत वाले दिन मेरी ते तुहाडे सारयां दी सिफारिश करनी है। वो लेके आओ कोई ऐसा नबी कि जरा रब के दरबार के अंदर पैगंबर तो इलावा सिफारिश कर सके। अल्लाह की कसमे लोगो बच्चों नू सुन्नत की तरगीब दिलाओ, साडे बच्चे अवारा हो गए, साडे हत्थां दे अंदरों निकल गए, निकल के जा रहे ने लोग दूसरी तरफ, कुफर आ गया, इलहाद आ गया, बेड़ा गर्क हो गया न्यू जनरेशन दा, बेड़ा गर्क हो गया साडे नौजवानों दा। ओ लोगो बच्चों की तरबीयत करो, मदरसे दे अंदर बच्चों नू दाखिल कराओ, अपनिया बच्चियों नू बुलूगुल मराम पढ़ाओ, अपनिया बच्चियों नू मिशकात पढ़ाओ, बच्चियों नू बुखारी पढ़ाओ। मैं तुहानू दसना जिहड़ा बंदा बुखारी पढ़दा रब शान पता की देंदा है, पूरी मस्जिद दे अंदर बहार पैदा करो, तुहाडे मैं सीने ताजा करा जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे में पढ़े। अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, नजर अल्लाह इमरान मन समिया मिन्नी मकालती सुम्मा हफिजहु व बयाहु। एक दिन अल्लाह दे नबी पाक ने अज हाथ उठाए ने ते पैगंबर पाक ने दुआ की। अल्लाह दे नबी पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे अल्लाह, उस बंदे दा चेहरा कदी भी ना मर जाए, वह बंदा कदे भी परेशान ना होवे जिहड़ा बंदा मेरी हदीस पढ़दा, जिहड़ा बंदा मेरी हदीस दे नाल प्यार करदा। आइए लोगो, जे अपनी खैर चाहते, जे अपनी आखरत की खैर चाहते, जे बुखारी दे नाल प्यार करो, सही उल बुखारी रखो घर दे अंदर, सही उल बुखारी। अल्लाह की कसम, आले हदीस की जे नमाज वेखनी है तो सही उल बुखारी, आले हदीस का जे ईमान वेखना तो किताबुल ईमान सही उल बुखारी, आले हदीस का जे जनाजा वेखना है तो किताबुल जनाइज सही उल बुखारी, आले हदीस की जे खुशी वेखनी है तो सही उल बुखारी, आले हदीस की जी गमे वेखनी है तो सही उल बुखारी, आले हदीस का अकीदा अल वला वल बरा दे हवाले दे नाल मौकफ पढ़ना है ते किताब तौहीद सही उल बुखारी, आले हदीस दा जे अकीदा तौहीद, अकीदा रबूबियत उलूहियत अस्माओ सिफात दे हवाले दे नाल मौकफ पढ़ना है ते किताब तौहीद सही उल बुखारी, आले हदीस दा जे पैगंबर दे सहाबा दे नाल प्यार वेखना है ते किताबुल ईमान सही उल बुखारी, आले हदीस दा जे अजवाजात दे नाल प्यार वेखना है ते किताबुल मनाकिब सही उल बुखारी, आले हदीस दा जे पैगंबर दे सहाबा दे नाल प्यार वेखना है ते रखो घरां दे अंदर सही उल बुखारी, अपने बच्चियां नूं पढ़ाओ सही उल बुखारी, बच्चियां नूं दावत दियो सही उल बुखारी, मुदारस दे अंदर आम कर दियो सही उल बुखारी। ओ यार, जिथे अपनी दुकान दे अंदर रोजाना अखबार पढ़ना है, इंज किताब बुखारी दी खोल के पढ़िया कर, दे रख अपने घरां दे अंदर सही उल बुखारी। अल्लाह दी कसम, मैं कई उलमा दे बारे पढ़िया है, हजरात मैं तुहाडी संजीदगी वेख्या, मैं तुहानूं गल सुनाण लगा, कई एक मैं अकबर उलमा दे बारे पढ़िया, फरमाया कर दे, जो भी साढ़े ते कोई दुख आ जाता, साढ़े ते करब आंदे परेशानी आ जाती है, साढ़े ते कोई भी गम आ जाता, इंज बुखारी खोल के पढ़िया कर दे, अल्लाह बुखारी की बरकत दे नाल साडियां गमियां नूं खुशियां अंदर तब्दील भी कर दे, ते अल्लाह रिज़्क़े हलाल दे नाल माला माल भी कर देंदे। यार, जे अपने कारोबार की खैर जानना है, अपनी जान की खैर जानना है, अपनी औलाद की खैर जानना है, तो सही उल बुखारी दे नाल प्यार कर। मैं तुहानू बुखारी दे अंदर अल्लाह दे नबी पाक दा एक फरमान पढ़ के सुनावा, सुनाओ सुनो, देखो लोगो, साडी दावत की है, साडा पैगाम की है। मैं बुखारी दे अंदर पढ़े, अल्लाह दे नबी पाक अलैहि सलाम बदर दियां रातां ने, आओ लोगो, साडे दावत की है, साडा पैगाम की है, जंगे बदर दा मौका आ गया, अल्लाह दे नबी पाक बड़े परेशान ने, पैगंबर दे से भी बड़े परेशान ने, इधर 313 ने, 317 ने, या उधर 1000 दा लश्कर, नबी पाक बड़े परेशान ने, अल्लाह दे नबी पाक बड़े परेशान ने। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करदे ने, बदर दियां कालियां रातां आ गईयां, कठिन रातां आ गईयां, गल आई है ना बुखारी दी, ते मैं बुखारी दे अंदर अपना पैगामे आले हदीस पढ़ के सुनावा, कि साडा पैगामे आले हदीस की है। हज़रत अली मुर्तजा फरमांदे ने, बदर दियां रातां आ गईयां, इंज मैं अद्धी रात दे वेले उठिया, ते अल्लाह दे नबी पाक इंज मस्जिद दे अंदर खड़े ने, पैगंबर ने इंज हद बन्ने ने, फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकन शदीदा, अल्लाह दे नबी जारो केदार रोई जा रहे ने, अल्लाह दे नबी नफल पड़ी जा रहे ने, ते अल्लाह दे नबी जारो केदार अपने अल्लाह दे सामने रोई जा रहे ने। हज़रात, अपना भी अखलाक चेक करया कर, अपना भी किरदार चेक करया कर। यार, नहीं ना कदी तेनू रोना आया नमाज पढ़दे, नहीं ना रोना आया कदी दरूद पढ़दे, नहीं ना रोना आया कदी तहज्जुद पढ़दे, नहीं तेनू ते मैनू रोना आया कदी नफल नवाफल पढ़दे। ओ यार, कदे कल्ला खलो जाया कर, हाथ बन लिया कर, ते अल्लाह दे सामने आंसू बहाया कर। हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने, मैं अल्लाह दे पैगंबर नूं वेख्या रोई जा रहे ने, और अल्लाह पाक नूं कह रहे ने, अल्लाहुम्मा हाउलाइल इसाबा, ऐ मेरे अल्लाह, मुट्ठी पर नौजवान ने, अल्लाह मुट्ठी पर मेरे सियाबा ने, ऐ मेरे अल्लाह, अज ये शहीद हो गए, तेरे पैगंबर दे दीन दा नाम लेन वाला दुनिया दे कोई बाकी नहीं रहेगा। इंज पैगंबर दुआ करी जा रहे ने, मेरे वल वेख्या जी, इंज दुआ करी जा रहे ने, इंज हत्था नूं बुलंद कीती जा रहे ने, ते सियाबा बयान करदे ने, पैगंबर दे कमरे ते जिहड़ी चादर ए काली कमली ए, अल्लाह दे पैगंबर दी कमर मुबारक तो नीचे गिर गई है, पैगंबर रोई जा रहे ने, अल्लाह पाक रो मनाई जा रहे ने। इधरों सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह दे नबी दे अंज कंधा पाक ते हाथ रखे ते फरमा रहे ने, अल्लाह दे नबी जी, बस कर दियो,
मैनू यकीन आ गया जिन्निया रब दे कोलों दुआवां कीतियां जे अल्लाह तुहाडी दुआ नूं कदे रद्द भी नहीं करेगा ते अल्लाह इस मैदान दे अंदर जरूर तुहानूं फतह अता फरमा देणगे। हज़रात उम्मत दे लोगां नूं पैगाम पता की मिलिया, तैनू ते मैनू पैगाम पता की मिलिया, पैगामे बुखारी पैगामे अहले हदीस दावते अहले हदीस पुकारे अहले हदीस मुनादिए अहले हदीस तैनू ते मैनू पैगाम ए मिलिया। अगर जिन्नी मर्जी परेशानी आए टेंशन आए मुसीबत आए अगर कालियां रातां भी आ जान खंडरात वालियां रातां भी आ जान कोई करब आए दुख आए परेशानी आए टेंशन आए रब तो इलावा किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना अल्लाह तो इलावा किसे नू निजे पुकारना। यार वेख ले पैगंबर दा किन्ना शान ही अल्लाह दे नबी दा किन्ना शान है लेकिन मिलके बोलो गम दी हालत दे अंदर पैगंबर ने पुकारिया ते किन्नू पुकारिया जेड़ा मन दे बोले किन्नू पुकारिया एक अल्लाह पाक नू पुकारिया। मैं तुहानू हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला दा बुखारी दे अंदर एक वाकया पढ़ के सुनावा और दीगर सुन्ने अरबा दे अंदर भी हदीसे पाक मौजूद है मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह पाक दा कुरान आया ते कुरान की कह रहा है फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदा मरना भी अल्लाह वास्ते जीना भी अल्लाह वास्ते सदा नमाज पढ़ना ते कुर्बानी करना भी अल्लाह वास्ते। आओ लोगो कौन आंदा है आले हदीस इमाम अली दे नाल प्यार नहीं करदे, कौन आंदा है हजरत अली मुर्तजा दे नाल प्यार नहीं करदे। अल्लाह दी कसम मैं हाथ दे अंदर कुरान पाग पढ़ के कहना जड़ा इमामे अली नु नहीं मनदा ऐसा जिंदीक है, जड़ा हजरत अली दे खान वादे दा इनकार करदा है ऐसा बंदा जिंदीक है लानती है बेईमान है दरा इस्लाम तो खारज है। मैं तो आले बैत नल भी प्यार करना, हजरत हसन नल मैं प्यार करना, हजरत हुसैन नल मैं प्यार करना, हजरत इमामे अली रजा नल मैं प्यार करना, हजरत इमामे जैनुल आबिदीन दे नल मैं प्यार करना, हजरत इमामे बकर नल मैं प्यार करना, इमामे मूसा आजम नल मैं प्यार करना, इमामे जाफर सादक नल मैं प्यार करना, तकी नल प्यार करना, नकी नल प्यार करना। आओ लोगो फिर मैं इन्हां दा अकीदा भी बयान करा। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमाने इन्हां दे कोल एक बंदा आ गया के कह रहा है ऐ अली मुर्तजा जी मैं बड़ा परेशान हाँ दिल ते हथ रख के जरा वाकया समाध फरमाना। हजरत अली मुर्तजा नू कह रहा अली मुर्तजा जी मैं बड़ा परेशान हाँ इंज मेरे उपर पहाड़ा दे बराबर कर्जा आ गया है अलीए मुर्तजा जी मैनू कोई दिरहम दियो मैनू दिनार दियो मेरी कोई मदद इमदाद करो मैं बड़ा ही परेशान हाँ। हजरत अलीए मुर्तजा नू कह रहा मैं बड़ा परेशान हाँ मेरी कोई मदद करो। आओ हवेली बहादुर शाह दे रहने वालो गर्दो नवा दुआने वालो सदा जिथों तक अज का पैगाम जाए अल्लाह दी मैनू इज्जत दी कसम जे सैयद अलीए मुर्तजा ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह दिया बंदिया मैं तेनू तवीज देना इंज अपने गुट दे नाल बन लै मसल दे नाल बन लै अपनी नाप दे नीचे तवीज बन लै धागा बन लै मैं तेनू देना तेरा कर्जा उतर जाएगा। अल्लाह दी कसम हज़रत अली मुर्तजा ने यह नहीं फरमाया जाओ अल्लाह दे पैगंबर की कबर तो मट्टी की मुठ्ठी लैके आओ मैं मुठ्ठी पढ़ के देना ते तुहाडा कर्जा उतर जाएगा, या यह नहीं फरमाया कि मैं फूक मारना इस फूक दे नाल तुहाडा कर्जा उतर जाएगा। वेख लै भी रहा तुहाडे मेरे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर लोग फूकां दे नाल इलाज करवा रहे ने, लोग धागियां दे नाल इलाज करवा रहे ने, लोग तवीज़ां दे नाल इलाज करवा रहे ने, लोग कड़ियां मनकियां दे नाल इलाज करवा रहे ने। ओ लोगो शुक्र करो अल्लाह दी जात दा, अल्लाह दी कसम रब ने तुहानूं फूकां वालियां दे कोलों बचाया, अल्लाह ने धागियां वालियां दे कोलों बचाया, अल्लाह ने तवीज़ां वालियां दे कोलों बचाया। आ मेरे हथ दे अंदर कुरान है मैनूं पैदा करने वाले किबरिया दी किबरियाई दी कसम है अगर मेरे पैगंबर दे कोल अगर कोई बीमार आया है मेरे पैगंबर दे कोल कोई मकरूज आया है मेरे पैगंबर दे कोल कोई परेशान आया है मेरे पैगंबर दे कोल अगर कोई गमजदा आया है मेरे पैगंबर दे कोल अपनी बेटी दी कोई परेशानी लेके आया है अपने बेटे दी परेशानी लेके आया है मेरे पैगंबर ने कोई धागा नहीं पढ़ के दिता मेरे पैगंबर ने कोई तवीज नहीं पढ़ के दिता मेरे पैगंबर ने कोई फूंक दे नाल इलाज नहीं किया मेरे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया मेरे बेटे इब्राहिम दी कबर तो मट्टी दी मुट्ठी लेके आओ मेरे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया अजवाजात दी कबर तो मट्टी दी मुट्ठी लेके आओ मेरे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया बकीदे कब्रस्तान दे अंदर तवज्जो मेरे वल मेरे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया बकीदे कब्रस्तान दे अंदर अकाबर सहाबा दियां कबरां मौजूद ने इन्हां दी कबर ते जाके इज्जो निहाज करो बल्कि मेरे
کیتے احادیث دے نال میرے پیغمبر نے علاج کیتے آخری میں اپنی حدیث پاک مکمل کر کے اجازت چاہنا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے نے اے علی مرتضی جی میں بڑا پریشان ہاں میرے اوپر پہاڑاں دے برابر قرضہ آ گیا کوئی درم دینار دیو میری مدد امداد کرو پوری مسجد دے اندر بہار پیدا کرو میں حدیث مکمل کرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والو محبت کرنے والو سنو لوگو دعوت اہل حدیث کی ہے پیغام اہل حدیث کی ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے اے میرے بھائی کیا میں تینو دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے رسول نے سکھائی ہے اے علی مرتضی جی جلدی دسو کیڑی دعا ہے جڑی اللہ دے رسول نے دعا نو سکھائی ہے تسی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سیکھی ہے سیدنا علی مرتضی فرمان دے نے میرے بھائی اپنی علیحدگی دے اندر پڑھیا کر چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا وظیفہ پڑھیا کر تے اللہ پاک نو کہیا کر اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا عمن سواک مانا پتا کی ہے توجہ میرے وال کریا جے میں مانا کر کے گل مکاواں مانا پتا کی ہے جے بندہ اپنے اللہ پاک نو کہندا ہے اے میرے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ لاغر بندہ اے میرے اللہ میرے تے قرضہ آ گیا تیرے تو علاوہ اللہ قرضہ اتارن والا کوئی نہیں اللہ حلال دے نال گنی کر دے تے حرام دین والے تو بچا کے رکھے ویکھ لے ویرے کنیاں پیاریاں گلاں نے جڑا گلاں بندہ اپنے اللہ پاک دے نال کردا ہے حضرات اے بندہ دعا لے کے چلا گیا پڑھائی لے کے چلا گیا حضرات اے بندہ بیان کردا ہے ففعلت ذالکا وقرات ذالکا میں ایویں کردا رہیا ایویں پڑھدا رہیا چند دن میں دعا پڑھیے تے اللہ نے دعا دی برکت دے نال میرے پہاڑاں دے برابر قرضے نو اپنی قدرت دے نال ادا فرما دیتا ہے حضرات میرے پیارے نمازی مسلمان پائیو پھر ساڈا اس مسجد دے اندر حویلی بہادر شاہ چنگ دے اندر اے پیغام جے اگر پیغمبر تے کوئی کرب آیا پیغمبر تے کوئی غم آیا پیغمبر دی گھر والیاں تے کوئی دکھ آیا پیغمبر دے صحابہ تے کوئی پریشانی آئی ہے انہاں نے رب تو علاوہ کسے نو نہیں پکاریا تے اسی وی انشاءاللہ کنوں پکارنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کنو پکارنا ہے اسی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نو پکارنا ہے اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات جو سنیا اور سنایا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین